दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तैत्रीय उपनिषद। सबसे पहले हम देखते हैं कि तैत्रीय उपनिषद जो है किस यजुर्वेद किस वेद की शाखा से लिया गया है। तो सबसे पहले हमारा आता है जो तैत्रीय उपनिषद है वो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय शाखा के अंतर्गत आता है। ठीक है, और कौन सा जो उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद से जो लिया गया है? कठोपनिषद। तो तैत्रीय जो है वो आरण्यक का सातवां आठवां और जो नवा अध्याय है, ठीक है, उसका जो पार्ट है कौन सा? आरण्यक का सातवां आठवां और नवा अध्याय तैत्रीय उपनिषद कहलाता है। तैत्रीय उपनिषद में जो है तीन वल्लियां दी गई हैं, अर्थात अध्यायों को यहाँ पर क्या कहा गया है? वल्लियां कही गई हैं। कौन कौन से? शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगु वल्ली। ठीक है, शिक्षा, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगु वल्ली। और ये जो तीन वल्लियां हैं वो अनुवाकों में बटी हुई हैं। जैसे हम लोग अध्याय और उसके फिर जो उप अध्याय देखते हैं ना, चैप्टर सब चैप्टर, उसी तरीके यहाँ पर जो है अध्यायों को वल्लियां कही गई हैं और उसके अंदर जो है पार्ट है उसको अनुवाक बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे तीन वल्लियां, और जो वल्लियां हैं वो किस में बटी हुई है? अनुवाकों में बटी हुई है। तो हम सबसे पहले देखते हैं शिक्षा वल्ली। शिक्षा वल्ली में जो है 12 अनुवाक है, 12 अनुवाकों में विभाजित है। ब्रह्मानंद वल्ली 9 अनुवाकों में विभाजित है, और जो भृगु वल्ली है उसमें 10 अनुवाक है। ठीक, इस प्रकार जो है 31 है टोटल अनुवाक। तो वल्लियां, तीन वल्लियां हैं और जो है वल्लियां किस में बटी हुई है? अनुवाकों में। तो शिक्षा वल्ली में 12 अनुवाक है, ब्रह्मानंद वल्ली में 9 और भृगु वल्ली में 10, और मंत्रों की संख्या 53 है। टोटल 53 मंत्र यहाँ पर बताए गए हैं। इसमें हम विषय वस्तु देखते हैं तो सर्वप्रथम हम देखेंगे इसमें पंचकोशों की अवधारणा दी गई है, फिर शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगु वल्ली को यहाँ पर संक्षेप में बताया गया है, उसका शॉर्ट में जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, जो मुख्य मुख्य रूप से उसमें बातें हैं जो सिलेबस में दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा वल्ली। शिक्षा वल्ली में पहला यहाँ पर मंत्र दिया गया है, ओम शम नो मित्र शम वरुण शम नो भवत्यमा शम नो इंद्रो बृहस्पति शम नो विष्णु उरुक्रमः। अर्थात इस अनुवाक में, शिक्षा वल्ली का जो प्रथम अनुवाक है, प्रथम अनुवाक में यह मंत्र दिया गया है, ओम शम नो मित्रो, शम नो मित्र और वरुण। ठीक है, तो इस अनुवाक में मित्र, वरुण, आर्यमा, आर्यमा अर्थात सूर्य, इंद्र, बृहस्पति, विष्णु, वायु और ब्रह्मदेव को नमन करके उनसे त्रिविध ताप, जो हमारे त्रिविध ताप है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक, शांति की रक्षा करने की यहाँ पर जो है प्रार्थना की गई है। ठीक है, तो कौन कौन से जो देव हैं, कौन कौन से हैं? मित्र हैं, वरुण हैं, आर्यमा, आर्यमा अर्थात सूर्य देव, इंद्र, बृहस्पति और विष्णु, विष्णु फिर साथ में वायुदेव भी है और ब्रह्मदेव। ठीक है, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु, इस तरीके से यहाँ पर इन देवताओं को जो है नमस्कार किया जा रहा है और इनसे प्रार्थना किया जा रहा है कि जो हमारे त्रिविध ताप हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक जो दुख हैं, इनको शांत करते हुए इनसे हमारी रक्षा करिए। ठीक, तो ये जो है पहले अनुवाक में ये मंत्र दिया गया है, नोट डाउन कर लेंगे आप लोग इसको। फिर यहाँ पर जो बताया जा रहा है शिक्षा अध्याय के 6 अंग, यहाँ पर ये जो शिक्षा के अध्याय दिए गए हैं ये द्वितीय अनुवाक में दिए गए हैं। इसका जो मंत्र है यहाँ पर बताया गया है, ओम शिक्षाम व्याख्या श्यामम वर्ण स्वर मात्रा बलम साम संतान इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। अर्थात यहाँ पर जो शिक्षा के 6 अंग बताए गए हैं कौन कौन से? वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, साम उसके बाद साम अर्थात उच्चारण में जो क्षमता होती है, और फिर संतान, ये जो है शिक्षा के 6 अंग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा के जो है शिक्षा का वर्णन किया गया है, किस तरीके से हमको जो है शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, किस किन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। तो इस मंत्र में जो है वेद के उच्चारण
किस प्रकार से हमको वेद का उच्चारण करना चाहिए, उनके क्या क्या नियम होते हैं, उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बताया गया है वर्ण बताया गया है। वर्ण जो क ख ग घ होता है, आ आ ई है ना, आदि व्यंजन वर्णों का जो स्पष्ट उच्चारण करना होता है उसको हम बोलते हैं वर्ण। फिर दूसरा यहाँ पर बताया गया है स्वर। स्वर भी यहाँ पर जो है तीन प्रकार के होते हैं, उदात, अनुदात और स्वरित। ठीक है, उदात को हम बोलते हैं उच्च स्वर बोल सकते हैं, जैसे कि जो खड़ी डंडी होती है उच्च स्वर जो जिसका जो है थोड़ा सा हमारा जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो आवाज जो होती स्वर होती है जो थोड़ी सी उच्च होती है। फिर अनुदात, अनुदात जो होता है वो आड़ी लकीर वाला होता है, अधोगामी यानी कि निम्न स्वर में होता है। और जो स्वरित है वो समभाव वाला होता है, ना अधिक ऊंचा और ना अधिक निम्न, समान भाव से जिसका हम उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो सामवेद का जो गायन करते हैं हम वो स्वरों के माध्यम से ही करते हैं, तो यहाँ पर स्वर का बताया गया है। फिर आगे आता है मात्रा, तीसरा है मात्रा। मात्रा जो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत होता है, ह्रस्व अर्थात जिसको उच्चारण करने में कम समय लगता है, ठीक है, दीर्घ अर्थात अधिक लंबा समय जिसको उच्चारण करने में लगता है, और तीसरा हो गया प्लुत। प्लुत अर्थात जो दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है, जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम का उच्चारण करने में थोड़ा हमको उसको ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मात्रा के भी तीन प्रकार बताए गए हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। फिर आते हैं बल, चौथा है हमारा बल, बाह्य और अभ्यंतर बल। अब बल किसको कहते हैं, जब हम वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उससे जो ध्वनि निकलती है और उस ध्वनि को व्यक्त करने के लिए जो हमको प्रयास करना पड़ता है, हम वर्णों का उच्चारण कैसे करेंगे, जब हम आवाज निकालेंगे ध्वनि व्यक्त करेंगे तो उसमें जो प्रयास करना पड़ता है, तो प्रयास लगाते हैं किसके माध्यम से, प्राण शक्ति के माध्यम से जो है हम प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो उसको ही बल कहा गया है उसको। और ये जो बल होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक बाह्य भी होता है और दूसरा अभ्यंतर होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हम ओम कैसे उच्चारण करते हैं तो नाभि से लेकर कंठ, कंठ से लेकर कपाल तक वो जाके पूरा होता है, उसी प्रकार से जब हम उसके उच्चारण में जो बल लगाते हैं, जो प्रयत्न करते हैं, उसको कहते हैं हम बल। तो बल का अगर सीधा से परिभाषा देखें तो क्या होगा, वर्णों के उच्चारण में जो ध्वनि व्यक्त करनी होती है और उस ध्वनि को व्यक्त करने में जो प्रयास करना पड़ता है, जो प्रयत्न करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं बल। और ये कितने प्रकार के होते हैं, दो, बाह्य और अभ्यंतर। फिर हमारा आता है साम। साम अर्थात वर्णों का जो उच्चारण करने में समवृत्ति होनी चाहिए, समान गति से, ना अधिक ऊंचा होना चाहिए ना अधिक नीचा होना चाहिए। ठीक है, तो उस वो जिस गति से यानी कि सम गति से जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उसे कहते हैं साम, अर्थात उच्चारण में समता आना। फिर आता है हमारा संधि। संधि अर्थात संधि को संतान भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, वर्णों का विस्तार होता है। वर्णों का विस्तार कैसे होता है, संधि हम कैसे करते हैं, जब दो शब्द या दो अक्षर आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्या, संधि कहते हैं। जैसे कमल, तो क कमल किससे मिलकर बना है, क प्लस म प्लस ल, इन तीनों अक्षरों से मिलकर बना है कमल। तो ये जो जोड़ हुआ, इन दोनों को, इन तीनों शब्दों को या अक्षरों को हमने आपस में जोड़ा, उससे एक नया शब्द बना। नया शब्द क्या बना, जब हमने क म और ल को जोड़ा तो वो नया शब्द हो गया कमल। तो इन दोनों को, इन वर्णों को जब हम आपस में जोड़ते हैं और उससे जो नए शब्द बनते हैं हम उनको कहते हैं संधि या संतान। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम इसको देखें एक प्रकार से तो हमको ये हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण यानी कि ग्रामर में हमको पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है शिक्षा अध्याय के 6 अंग बताए गए हैं, कौन कौन से, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संधि। ठीक है, ये जो है 6 है, इसको आप याद रखेंगे। वर्ण जो हम अ आ ई क ख ग आदि व्यंजन वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करते हैं उसको हम कहते हैं वर्ण। स्वर, स्वर के 3 प्रकार होते हैं, उदात, अनुदात और स्वरित। उदात अर्थात उच्च स्वर, अनुदात अर्थात अधोगामी या निम्न स्वर बोला जाता है, और स्वरित जिसका सम भाव से हम उच्चारण करते हैं, ना अधिक ऊंचा ना अधिक नीचा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा
मात्रा, मात्रा भी तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जैसे कि सीता, सीता में जब छोटी की मात्रा लगी होती तो शीता हम लोग पढ़ते हैं, और जब बड़ी की मात्रा लगी होती तो सीता, ऐसे थोड़ा सा खींच कर पढ़ते हैं, ठीक है। और जब उसी से ही और आगे प्लुत अर्थात दीर्घ से भी जब ज्यादा समय लगे, ओम या फिर कोई गाना हम गाते हैं तो जब हमें उसमें स्वर को खींचना होता है तो उसको बोलते हैं प्लुत, ठीक है। फिर बल आता है, यानी कि जब हम वर्णों को या शब्दों को व्यक्त कर रहे होते हैं, उनके उच्चारण को, और व्यक्त कैसे करते हैं, ध्वनि के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं, तो उसमें जो प्रयास करना पड़ता है उसको हम कहते हैं प्रयत्न। जैसे कि मैं अभी आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, तो इसमें जो है मैं वर्णों को, अपने शब्दों को व्यक्त करने के लिए जो है मैं प्रयास कर रही हूँ, और वो प्रयास कैसे कर रही हूँ, अपने प्राण शक्ति के माध्यम से, है ना। तो उसको कहेंगे बल, जो कि अभ्यंतर और बाह्य दोनों होता है। फिर आता है साम। साम अर्थात उच्चारण में समता, वर्णों के उच्चारण में जब हम समान वृत्ति से या समान रीति से उच्चारण करते हैं, समान गति से उच्चारण करते हैं, तो उसे कहते हैं साम। फिर आता है संधि। वर्ण का विस्तार, यानी कि जब हम दो वर्णों को या दो शब्दों या अक्षरों को आपस में मिलाते हैं और उससे जो नए शब्द का निर्माण होता है या नए शब्द बनते हैं, उसको हम कहते हैं संधि, ठीक। तो ये आप लोग याद रखेंगे। इससे यहाँ पर यह ज्ञात होता है कि जब उस समय पर जो शिष्य होते थे, है ना, जो परमात्मा के रहस्य विद्या को जानना चाहते थे या परमात्मा को प्राप्त करने की जो विद्या जानना चाहते थे, उनको इन वर्णों को यानी कि इनको ध्यान में रखते हुए मंत्रों का उच्चारण करना होता था। यानी कि जो भी वो वेद मंत्र पढ़ते थे, जिसका भी वो पाठ करते थे, उनका उच्चारण जो है सावधानी पूर्वक उनको करना होता था। जो मनुष्य या जो साधक ऐसे सावधानी पूर्वक बोलते थे, उनको तो क्या बोलते हैं, सही सही तरीके से वो आगे बढ़ते थे, और जो गलती करते थे या थोड़ा सा भी स्वर का ऊपर ऊपर नीचे हुआ या किसी भी शब्द को थोड़ा सा गलत बोल दिए, तो वहां पर जो होता था, क्या होता था, उसको अशुद्ध स्वर के अंतर्गत रखा जाता था। और जब हम इस तरीके से गलत तरीके से उच्चारण करते थे तो अनिष्ट का होना जो है उसमें अनिष्ट होना ऐसा समझा जाता था, यानी कि बुरा होता था, ठीक है। तो इस तरीके से अभी भी जैसे कि हम बोलते हैं ना कि प्रार्थना या जो यज्ञ के समय जिन मंत्रों का उच्चारण करना होता है, उसको सही तरीके से और सही उच्चारण से करना चाहिए। अगर सही तरीके से हम करते हैं तो हमको जो है उसका लाभ मिलेगा, और गलत तरीके से हम करते हैं तो फिर उससे हमको फिर जो है लाभ नहीं मिल पाएगा, ठीक है, उससे हमको हानि होगी। इसलिए जो उस समय उच्चारण करते थे तो इन शब्दों को जो है इनको फॉलो करते हुए चलते थे, ठीक है, इनका ज्ञान होना आवश्यक होता था, ठीक। तो इसका जो दिया गया है, उल्लेख किया गया है, दूसरे अनुवाद में किया गया है, क्लियर है ये? मैम हाँ मैम जो स्वरित है और जो साम है ना, इन दोनों में अंतर बता दीजिए। एक जैसे से लग रहे हैं। मैम, स्वर और मात्रा में ही बता दीजिए। हाँ देखिए, यहाँ पर स्वरित जो है ना, स्वरित में यहाँ पर ये हो जाएगा कि ना हमको ज्यादा ऊंचे आवाज में बोलना है, जैसे मैं अभी बोलूंगी इच्छा जी आप पढ़कर नहीं आए हैं क्या, तो ये थोड़ा सा ऊंचा हो गया, ठीक है। इच्छा जी आप पढ़कर नहीं आए हैं, ये थोड़ा सा नीचे लो हो गया। इच्छा जी आप पढ़कर आए हैं, ये थोड़ा सा समान हो गया, ठीक है। तो ना अधिक ऊंचा और ना अधिक नीचा, वो हो गया समभाव। और साम यानी कि तीनों में समता रखते हुए, ठीक है, इस तरीके से बोला जा रहा है। ये समझ में आया पहले साम, स्वरित और साम का? मैम तीनों में समता जैसे। तीनों में समता, जैसे कि उदात, अनुदात और स्वरित, इन स्वर का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो समान भाव से करना है, समान वृत्ति से। मैम स्वरित में भी तो मतलब हम सामान्य उसमें आवाज नॉर्मली रख के बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो तीनों में करना पड़ेगा ना, ना उसमें अधिक होना चाहिए ना ज्यादा नीचे होना चाहिए, दोनों को थोड़ा सा ये है, दोनों को इक्वल लिया जा सकता है आपस में ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। साम का भी वही है कि इसमें समता बना के रखना है, और यहाँ पर ये बोला गया है कि ना एकदम ऊंचा होना चाहिए ना अधिक नीचे होना चाहिए, एक समान बैलेंस रखते हुए। और यहाँ पर साम में आ जाएगा जो हमारी वृत्ति होनी चाहिए, जिस गति से हम बोल रहे हैं, वेग से, जैसे मैं अभी नॉर्मल बोल रही हूँ आप लोगों से, उसी तरीके से, ठीक ओके मैम, ओके ओके मैम। है। अच्छा हाँ, मात्रा मात्रा ये ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, यानी कि इसमें ये बताया गया है
कि जैसे कि किसी भी चीज को हम बोल रहे हैं तो थोड़ा सा कम समय लगता है, जैसे कि इसको पढ़िए, इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, सीता बोलेंगे, ठीक है। दीर्घ यानी कि दीर्घ मात्रा लग गया, बड़ी की मात्रा लग गया, अब इसको पढ़िए आप। मैम, हाँ पहला पहला होगा सीता, दूसरा होगा हाँ सीता। हाँ तो ये थोड़ा सा कम समय लगा इसमें, थोड़ा सा इसको खींचकर बोले तो सीता थोड़ा सा हुआ ना, दीर्घ हुआ ना, थोड़ा सा ज्यादा समय लगा। और फ्लूट, आप ओम बोलेंगे, ओम का उच्चारण हम सभी करते हैं, तो पहले जब हम ओम ऐसे बोलते हैं, ठीक है, फिर थोड़ा सा और उसको ऊंचा लेंगे तो इसको बोलने में थोड़ा और अधिक समय लगा, तो जो उससे भी अधिक समय लगा, किससे, दीर्घ से भी अधिक समय लगा, उसको बोलेंगे हम फ्लूट, ठीक है। ये क्लियर हुआ? यस जैसे कि हम उद्गीत प्राणायाम से भी समझ सकते हैं, जब म का उच्चारण करते हैं तो थोड़ा सा उसमें अधिक समय लगता है, ठीक है। तो इसको समझ सकते हैं ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ओके यस मैम। चलिए, और वर्ण का पूछ रहे थे, वर्ण का यानी कि जो आ आई है, का खा गा है, उसका स्पष्ट तरीके से उच्चारण करना, आ है तो आ है तो आ, इस तरीके से का खा ग, ठीक है, ये इसका स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। जैसे हम बच्चों को शुरू में सिखाते हैं तो वो ठीक ठीक से नहीं बोल पाते ना, उनका उच्चारण सही नहीं होता। ये क्लियर हुआ? तो वर्ण के अंतर्गत आ जाएंगे क ख ग आदि व्यंजन वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करना, स्वर में आ जाएंगे, ये भी तीन प्रकार के बताए गए हैं, उदात अनुदात और स्वरित, मात्रा में ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, बल का हो जाएगा बाह्य और अभ्यंतर, जो प्रयास हम करते हैं उसे हम कहते हैं बल। साम उच्चारण में समता रखना है ना, सम तरीके से समवृत्ति से बोलना, संधि यानी कि दो वर्णों को आपस में कनेक्ट करके जब उसमें से नए वर्ण बनते, नए शब्द बनते हैं, उसको हम कहते हैं संधि। ये क्लियर है? आगे बढ़े। यस मैम। मैम ये दूसरे अनुवाद में है ये वाला? हाँ ये दूसरे अनुवाक में है, प्रथम अनुवाक में हम देवों से प्रार्थना करते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो बताए गए हैं वरुण देव बताए गए हैं, और मित्र हैं, अर्यमा हैं, इंद्र हैं, बृहस्पति, विष्णु जी, ब्रह्मा, ब्रह्म और वायु, ठीक है। तो ये प्रथम अनुवाक में, दूसरे अनुवाक में शिक्षा के जो अध्याय हैं उनके 6 अंग बताए गए हैं। अब हम चलते हैं तीसरे अनुवाक की ओर। उससे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि वर्णों का आपस में मिलना ही संतान कहलाता है, संतान अर्थात संधि कहलाती है, ठीक है, जिसे पहले शब्द और फिर वाक्य का निर्माण होता है, जिससे पहले शब्दों का, और जब ये शब्दों को आपस में और बहुत सारे शब्द जुड़ जाते हैं तो उससे एक वाक्य का निर्माण होता है। इस संतान को ही संहिता कहा जाता है, ठीक है, ये जो संतान अर्थात जो संधि है उसको संहिता कहा जाता है, और इस संहिता को 5 लोकों के संदर्भ में महासंहिता कहा जाता है, और इस संहिता से ही उपनिषद ज्ञान का उदय होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो दो जो वर्ण है, ठीक है, वर्णों का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है, संतान या संधि कहलाता है, ठीक है। फिर जब शब्द बनते हैं, ठीक है, वर्ण आपस में मिले तो उससे एक नए शब्द का निर्माण हुआ, ठीक है, तो ऐसे शब्द बनते गए, फिर शब्द जब आपस में मिले तो उससे क्या हुआ, वाक्य का निर्माण होता है, फिर इस संतान को ही संहिता कहा जाता है, ठीक है, जो हम संधि करते हैं उसको क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और फिर उन संहिताओं को भी 5 लोकों के संदर्भ में महासंहिता कहा जाता है। ये 5 लोक कौन कौन से हैं ये हम आगे देखेंगे, ठीक है, तो उन 5 लोकों को ही क्या कहा जाता है, महासंहिता कहा जाता है, और इस संहिता से ही उपनिषद के ज्ञान का उदय होता है, अर्थात उपनिषद के ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ पर जो है गुरु और शिष्य, आचार्य और शिष्य जो है सबसे पहले प्रार्थना कर रहे हैं, सह नौ यश सह नौ ब्रह्म वर्चसम,
अथाता संहितायाः उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकम् अधिज्योतिषम् अधिविद्यम् अधिप्रजम् अधिअध्यात्मम् ता महसंहिता इत्याचक्षते। अर्थात यहाँ पर सबसे पहले जो आचार्य और शिष्य हैं दोनों एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि हम दोनों का यश एक साथ बढ़े। सह नव यशः, अर्थात हम दोनों का यश एक साथ बढ़े। सह नव ब्रह्म वर्चसम, एक साथ ही हम दोनों का ब्रह्म तेज भी बढ़े। इस प्रकार शुभ इच्छा प्रकट करने के बाद यहाँ पर जो है बताया गया है कि जिस प्रकार वर्णों में संधि होती है उसको क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। और जब लोक आदि को अपना विषय बनाती है तो उसे महासंहिता कहते हैं। ठीक है, तो जो दो संधि है, संधि से यानी कि जब वर्णों की संधि होती है तो उन संधि को हम कहते हैं संहिता। और जब लोक जो है वो अपने विषय किसको बनाती है, जब लोक आदि को अपना विषय बनाती है तो उसे महासंहिता कहते हैं। ठीक है, अर्थात वर्णों के संहिता वर्णों की संधि को संहिता कहा जाता है, और जब लोक आदि का संधि होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, महासंहिता कहते हैं। तो इन पांचों को ही महासंहिता के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा अधिलोक संहिता, दूसरा है अधिज्योतिष संहिता, तीसरा है अधिविद्या संहिता, चौथा है अधिप्रज संहिता, और पांचवा है आध्यात्म संहिता। अर्थात इन पांचों को ही क्या कहा जाता है, महासंहिता कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि ये अधिलोक संहिता अधिज्योतिष संहिता ये क्या होते हैं। तो अधिलोक संहिता जो होता है वो लोकों के विषय में जानकारी देता है। ठीक है, लोकों के विषय में जो है बातें बताता है। दूसरा है अधिज्योतिष संहिता, यानी कि ज्योति से संबंधित विषय के बारे में बताता है। तीसरा है अधिविद्या संहिता, अर्थात विद्या से संबंधित जो है विषय के बारे में जानकारी देता है, वो होता है अधिविद्या संहिता। फिर चौथा है हमारा अधिप्रज संहिता, अर्थात प्रजा संबंधित विषय के विषय वस्तु के बारे में जो बताता है वो अधिप्रज संहिता है। और पांचवा है हमारा आध्यात्म संहिता, अर्थात आत्मा से संबंधित विषय के बारे में जो बताता है वो आध्यात्म संहिता कहलाता है। इस तरीके से पांच संहिताएं हैं और इन पांच संहिता को ही महासंहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैम फर्स्ट वाला वही अध्यात्म के बारे में जो बताता है वही है ना? हाँ, आत्मा से संबंधित बातें जो बताएंगे उसे हम कहते हैं आध्यात्म संहिता। ठीक है, चलिए। जैसे वर्णों में पूर्वन और उत्तर वर्ण होते हैं, ठीक है, और दोनों के बीच में अवकाश संधि होता है जिसे अन्य वर्णों के द्वारा पारित किया जाता है, जिसे संतान कहते हैं। इस प्रकार सभी लोकों के संदर्भों में भी जानना चाहिए। अर्थात यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जिस प्रकार वर्णों में संधि का दर्शन किया जाता है उसी प्रकार इन लोक आदि में भी संहिता दृष्टि करनी चाहिए। अब वो संहिता दृष्टि किस प्रकार करनी चाहिए, तो ये आगे बताया जा रहा है। क्या कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रत्येक संधि के चार भाग होते हैं। जब आप लोग संधि पढ़ेंगे, हिंदी ग्रामर संस्कृत ग्रामर पढ़ेंगे, उसमें आता है संधि के चार भाग होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है पूर्व वर्ण, ठीक है, दूसरा होता है पर वर्ण, तीसरा होता है ये पूर्व और पर जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो उनसे जो मेल होके नया रूप बनता है या नए शब्द बनते हैं, ठीक है, वो होता है। और चौथा होता है इन दोनों का जो संयोजक होता है, जैसे कि हम यहाँ पर समझ सकते हैं, एक वर्ड लेते हैं गणेशा, ठीक है, तो गणेशा कैसे बना है बताइए आप लोग, किन दो शब्दों से मिलकर बना होगा गणेशा? गण प्लस ईश, ठीक है, ये हो गया
गण प्लस ईश, ठीक है। तो ये जो गण हो गया वो पूर्व वर्ण हो गया, ईश क्या हो गया पर वर्ण, क्योंकि ये पहले जुड़ेगा ये बाद में जुड़ेगा, इससे एक नया शब्द बना, क्या बन गया, गणेशा, ठीक है। तो ये हो गया पूर्व वर्ण, ये हो गया पर वर्ण, और इन दोनों के मेल से जो नया शब्द बना वो गणेशा हो गया। और इन नए शब्द को बनाने के लिए जो संयोजक का काम करता है, दोनों के माध्यम से कौन जुड़ा किसके माध्यम से, तो ये जो मात्रा है ई, ठीक है, ये आगे जाके क्या हो गया, विलुप्त तो हो गया, एक ही मात्रा हो गया। तो इस ई को ही हम क्या बोलेंगे, संयोजक बोलेंगे, जो दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पूर्व वर्ण, इसे कहा जाएगा, और इसे कहा जाएगा पर वर्ण, और ये जो नया शब्द बना ये हो गया तीसरा, और इन दोनों को जो जोड़ने वाला है, जो संयोजक है वो ई है, उसे क्या कहा जाएगा, संयोजक कहा जाएगा। तो इस तरीके से संधि के चार भाग होते हैं, पूर्व वर्ण, पर वर्ण, फिर मेल से बना हुआ रूप, और चौथा जो इनका संयोजक है। तो यहाँ पर संयोजक कौन है, ई है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे वर्णों में पूर्वन और उत्तर वर्ण होते हैं, और दोनों के बीच में अवकाश संधि होता है, अवकाश संधि होता है अर्थात जिस मात्रा की वजह से दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसे अन्य वर्णों के द्वारा पारित किया जाता है, जिसे संतान या संयोजक कहा जाता है या संधि कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार सभी लोकों के, ये लोग लिखा है, लोक होगा, ठीक है, लोकों के संदर्भ में भी जानना चाहिए, अर्थात जो ये लोक बने हुए हैं कौन कौन से हैं, अधिलोक, अधिज्योतिष, ये किन किन चीजों से मिलकर बने हुए हैं, इसको जानना चाहिए, यहाँ पर बताया गया। आगे देखेंगे हम इसका, एक टेबल फॉर्म में देखेंगे कि कैसे ये बना हुआ है। जो साधक इन महासंहिताओं के सार तत्व को जान लेता है, वह समस्त लोकों, ज्योति, ज्ञान, प्रजा, पशु और ब्रह्म वर्चस्व, अन्न आदि भोग्य पदार्थों से संपन्न हो जाता है, ठीक है। सार तत्वों को अर्थात किन किन चीजों से मिलकर ये जो लोक बने हुए हैं, जो इन चीजों को भली भांति समझ लेता है, इनके ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो क्या होता है, समस्त लोकों, ज्योति, ज्ञान, प्रजा, पशु, ब्रह्म वर्चस्व अर्थात ब्रह्म की शक्ति या परमात्मा की शक्ति, अन्न आदि अन्य भोग्य पदार्थों से जो है संपन्न हो जाता है। यहाँ पर जो है उसका लाभ भी बता दिया गया, क्या फल प्राप्त होगा उन लोगों के सार तत्व को जानने से, क्या महासंहिताओं के सार तत्व को जान लेने से, जो जान लेता है वो लोक, ज्योति, ज्ञान, प्रजा, पशु, ब्रह्म वर्चस्व, अन्न आदि भोग्य पदार्थों से क्या होता है, संपन्न हो जाता है, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लोक है कैसे कैसे बने हुए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है अथाधिलोकम, यानी कि अधिलोक, पृथ्वी पूर्व रूपम, द्योरुत रूपम, आकाश संधि, वायु संधानम, अर्थात यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो हमारा अधिलोक है, हमने देखा ना पांच संहिताओं में सबसे पहले हमारा आता है कौन सा लोक, अधिलोक आता है। तो अधिलोक को यहाँ पर क्या बोला गया है, पृथ्वी रूप, पृथ्वी जो है वो पूर्व रूप है, यानी कि पृथ्वी, और उत्तर रूप कौन सा हो गया हमारा, द्युलोक, द्युलोक अर्थात स्वर्गलोक। तो ये और पृथ्वी और जो स्वर्गलोक है आपस में जुड़े तो क्या बना, आकाश, इन दोनों का जो संधि है वो क्या हुआ, आकाश, और इन दोनों को जो बनाने वाला है, जो संयोजक है वो कौन सा है, वायु, ठीक है। वायु के माध्यम से जो है ये दोनों आपस में कनेक्ट हुए, और उससे एक नया जो है संधि बना, वो क्या है, आकाश बना, उसके बाद जो है हमारा अधिज्योतिष, अधिज्योतिष का जो पूर्व रूप है वो अग्नि है, उसका उत्तर रूप हो जाएगा आदित्य, आदित्य अर्थात सूर्य, सूर्य और अग्नि जब आपस में मिले तो किसका निर्माण हुआ, जल का, और ये जो है इनका जो संयोजक है वो क्या कहलाएगा, विद्युत कहलाएगा, ठीक है, बिजली, इनके माध्यम से जो है ये आपस में कनेक्ट हुए, और कनेक्ट होने के बाद जो है अग्नि और सूर्य जो है आपस में मिले और इनसे जो है जल का निर्माण हुआ। फिर हमारा आता है तीसरा अधिविद्या, अधिविद्या का जो पूर्व रूप हो जाएगा आचार्य, आचार्य यानी कि जो है क्या दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, ठीक है,
तो आचार्य जो हो गए पूर्व रूप हो गए और उत्तर रूप हो गया शिष्य। और इन दोनों के माध्यम से किसका जो है उत्पत्ति हुई, किसकी उत्पत्ति हुई, विद्या की उत्पत्ति हुई। तो विद्या की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रवचन के माध्यम से, अर्थात आचार्य जो हैं अपने गुरुओं को सॉरी अपने शिष्यों को जो उपदेश दे रहे हैं, तो वो उपदेश जो है विद्या के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, प्रवचन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से वो क्या हो गया, विद्या के रूप में यहाँ पर जो है कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से जो पूर्व रूप हो जाएगा आचार्य और उत्तर रूप शिष्य, और इनकी जो संधि है अर्थात दोनों के मेल से जो नया रूप बना वो विद्या हो गया, और जो संयोजक हो जाएगा वो प्रवचन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है हमारा आता है अधिप्रजा। अब प्रजा की निर्मिति कैसे होती है, तो इसका जो पूर्व रूप है वो माता है, उत्तर रूप पिता। ठीक है, और आपस में जब कनेक्टेड हो रहे हैं तो किसकी उत्पत्ति हो रही है, प्रजा की उत्पत्ति हो रही है, और इनका जो संयोजक है वो प्रजनन कहलाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा आध्यात्म विद्या। आध्यात्म विद्या यहाँ पर यानी कि इसको समझेंगे, यहाँ पर जो लिखा है कर्मेंद्रिया, ये कर्मेंद्रिया नहीं होंगी, ठीक है, और ये ज्ञानेंद्रिया नहीं। अधरा हनु, अधरा हनु अर्थात यहाँ पर हो जाएगा नीचे का जो जबड़ा होता है। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पर जो है नोट डाउन कर लें, कर्मेंद्रिया नहीं होंगी, अधरा हनु अर्थात नीचे का जबड़ा। उसी प्रकार उत्तरा हनु अर्थात ऊपर का जबड़ा, और नीचे के जबड़े और ऊपर के जबड़े में जो रहती है वो क्या रहती है, हमारी जिह्वा रहती है। ठीक है, तो उससे क्या उत्पन्न होता है, वाणी की उत्पत्ति होती है। ठीक, जब ऊपर और नीचे का जबड़ा जब हम बोलते हैं है ना, तो इन दोनों से क्या होती है, वाणी की उत्पत्ति है, और इसका जो संयोजक है जिह्वा। ठीक है, जब जिह्वा यानी कि ऊपर नीचे जब होता है, जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो ऊपर और नीचे के जबड़े आपस में कनेक्ट हुए तो वाणी का निर्माण हुआ, और उसका जो संयोजक है, उसका जो संधान है, किसकी वजह से जो है यहाँ पर निर्मिति हो रही है, तो जिह्वा के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर जो है उसके संधि और संयोजक को बताया गया है। सबसे पहले एक बार और देख लेते हैं अधिलोक। अधिलोक में क्या हुआ, अधिलोक का जो पूर्व रूप है पृथ्वी और उत्तर रूप द्यु द्युलोक अर्थात स्वर्ग लोक। जब पृथ्वी और स्वर्ग लोक आपस में मिले तो उससे उसके बीच का जो भाग क्या कहलाया, आकाश कहलाया, और ये किसके माध्यम से उत्पत्ति हो रही है, तो वायु के माध्यम से इसकी उत्पत्ति हो रही है। फिर हमारा आता है दूसरा अधिज्योतिष। अधिज्योतिष में यहाँ पर ये बताया गया कि जो हमारा क्या है, अग्नि है। ठीक है, अग्नि पूर्व रूप हो गया और आदित्य सूर्य उत्तर रूप हो गया, और इन दोनों की संधि से किसका निर्माण हुआ, दोनों के मेल से जल का निर्माण हुआ। ठीक है, और इसका जो संधान है, जोड़ने का हेतु है ना, जोड़ने का जो कारण है वो क्या है, विद्युत, विद्युत अर्थात बिजली। ठीक है, तो इनको जो है इस प्रकार से अधिज्योतिष यानी कि ज्योति विषयक संहिता कही गई है। फिर हमारा आता है अधिविद्या। अधिविद्या में क्या होता है कि जो अधिविद्या के पूर्व रूप कहे जाएंगे आचार्य कहे जाएंगे, और जो उत्तर रूप है वो शिष्य कहे जाएंगे। अर्थात पहला वर्ण है ना, पहला वर्ण क्या हुआ, आचार्य, दूसरा हो गया शिष्य। दोनों के मेल से, दोनों के मिलने से जो है क्या हुआ, विद्या की उत्पत्ति हुई, ज्ञान की उत्पत्ति हुई है ना। अंतेवासी यहाँ पर लिखा है, अर्थात समीप में निवास करने वाला जो शिष्य होता है, वो भी शिष्य कैसा होता है, जो श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा करके जो उपदेश को प्राप्त करता है। ठीक है, तो इन दोनों के संधि से तीसरा जो वर्ण बना वो क्या बना, विद्या बना। ठीक है, और वो विद्या कैसे प्रकट हुई, प्रवचन के माध्यम से। ठीक है, जो विद्या का रूप है, जो प्रकट होने का कारण क्या है, प्रवचन। प्रवचन अर्थात जो गुरु का उपदेश है। ठीक है, जो शिष्य वहां पर श्रद्धा पूर्वक सुनकर समझकर उन चीजों को धारण कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अधिविद्या। ठीक है, विद्या विषयक संहिता कहेंगे। उसके बाद जो हमारा आता है अधिप्रजा। अधिप्रजा का क्या हुआ, पूर्व रूप माता, और इसका उत्तर रूप या पर वर्ण कहेंगे, पूर्व वर्ण या पर वर्ण ऐसा भी कह सकते हैं। तो वो पर वर्ण क्या हुआ, पिता। ठीक है, तो
इन दोनों के आपस में मिलने से किसकी उत्पत्ति होती है? प्रजा की उत्पत्ति होती है, और उसका कारण क्या है? प्रजनन। फिर यहाँ पर बताया गया है अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या अर्थात यहाँ पर जो अधरा हनु कहा गया है, तो अधरा हनु अर्थात नीचे का जो है जबड़ा, और उत्तरा हनु उसका जो हो गया उत्तर वर्ण या पर वर्ण कहेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के आपस में मिलने से क्या किसकी उत्पत्ति हुई? वाणी की उत्पत्ति हुई, वाक की उत्पत्ति हुई, ठीक है। और इनका जो संधान है, ठीक है, वाणी की उत्पत्ति का जो कारण है वो क्या है? जिह्वा है। तो इनको ही क्या कहा गया है? आत्म विषय संहिता कहा, अध्यात्म विषय संहिता, ठीक है, या आत्म विषय संहिता इस नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हमारी जो है पंच महासंहिताएं हैं, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ये क्लियर है? मैम, पंच महासंहिता ये जो हुई तो इनके गुण धर्मों से जो आगे बढ़ा है वो हमने लिया हुआ है ना? हाँ, जो संधि है ना उससे जो आगे बढ़ा हुआ है, जिन संधि को हम क्या कहेंगे, संहिता के नाम से जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इन संहिताओं को ही पांच महासंहिता कहा गया है, जब ये आपस में इनको मिलाकर पांच महासंहिताएं नाम दिया गया है, ठीक है। तो मैम ये जो संहिता है वो किस तरीके से उत्पन्न हुआ है और कैसे किन से मिलकर बना हुआ है ये बताया गया है। बोलिए। मैम ये जो सबसे ऊपर वाला है ना, उत्तरारूढ़ अधिलोक का, दियो दियो क्या है मैम? द्योलोक अर्थात स्वर्गलोक। देखिए, स्वर्गलोक कहा जाता है जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का पार्ट होता है, ठीक है। तो उसको पूरा पूरा कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर वाला जो अंतरिक्ष वाला भाग होता है उसको भी स्वर्गलोक के अंतर्गत लिया जाता है। तो मुख्य रूप से अगर कहें हम लोग, द्योलोक अर्थात स्वर्गलोक को कहेंगे, जहां पर देवताओं यानी कि ब्रह्म का निवास होता है, ठीक है। फिर नीचे आता है अंतरिक्ष लोक, जहाँ पर सारे जो हमारे सौर मंडल के ग्रह हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, ये सब जो है प्रकाशित होते हैं किसकी शक्ति से? ब्रह्म की शक्ति से। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है मुंडक उपनिषद में, मांडुक्य में, है ना। तो वो सारी चीजें, तो द्योलोक जो हमारा हो गया वो स्वर्ग लोक है, ठीक है। तो ये जब दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं तो आकाश का निर्माण होता है, ओके। स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक के बीच में क्या है? आकाश है। और आकाश में क्या होती है? वायु होती है। तो उसका जो संयोजक है, संधान है, यानी कि जुड़ने का जो कारण है, बनने का जो कारण है, वो वायु है, ठीक है। उसी यस प्रकार मैम। आदि ज्योतिष का भी बता दिया कि जब अग्नि और आदित्य आपस में कनेक्ट होते हैं तो जल का निर्माण होता है, और उसका जो कारण क्या है? बिजली है, विद्युत है। उसी प्रकार आचार्य और शिष्य जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो विद्या की उत्पत्ति होती है, और वो विद्या कैसे आते हैं? जब आचार्य के द्वारा शिष्य को उपदेश दिया जाता है तो वो जो उपदेश वो सुनकर समझकर जो ग्रहण करते हैं वो विद्या के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। फिर माता और पिता जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो प्रजा की उत्पत्ति होती है, और उसका कारण जो यहाँ पर प्रजनन बताया गया। फिर जब अध्यात्म विद्या की उत्पत्ति कैसे होगी, कैसे मिलकर बना है? तो जब ऊपर के जो जबड़े हैं और नीचे के जबड़े हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, तो वाणी का निर्माण होता है। और वो वाणी जब कैसे निकलेगी? जिह्वा के माध्यम से। अगर जिह्वा ही नहीं होगी तो हम कैसे बोल पाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों का जो कारण है, इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला है, या वाणी की उत्पत्ति का जो कारण है या संयोजक है बोला जाए, तो वो जिह्वा है। ये क्लियर हुआ? आगे बढ़े। यस मैम, ये तीसरा अनुवाद है ये? हाँ, तीसरा अनुवाद है। हाँ, ओके। चलिए, अब हम यहाँ पर समझेंगे व्याहति। व्याहति का वर्णन जो किया गया है पंचम अनुवाद में किया गया है, ठीक है। तीसरा हमने देखा, पहले में जो है हम देवताओं को प्रणाम करते हैं, आदि दैविक आदि भौतिक दुखों से हम निवृत्त करने के लिए, उनसे रक्षा करने के लिए बोलते हैं। फिर हमने देखा जो शिक्षा के छह अंग बताए गए हैं उनको हमने देखा, वर्ण है, स्वर है, मात्रा है, बल है, ठीक है। और क्या था पांचवा और छठा बताइए? साम है। और संधि और उसके बाद हमने तीसरे अनुवाक में पंच महासंहिताएं हमने देखी। अब हम
पंचक अनुवाक में आते हैं, चतुर्थ अनुवाक में कुछ नहीं कहा गया है तो हम उसको छोड़ देते हैं। अब हम पांचवें अनुवाक में आते हैं। पांचवें अनुवाक में यहाँ पर जो है व्याहति के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं कि व्याहति होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मंत्र दिया गया है, भूर्भुवः शुवरीति वा एतत् स्त्री स्त्रो व्याहतयः तासाम ह स्मैताम चतुर्थी महाचमस्य प्रवेदयते मह इति तद ब्रह्म स आत्मा अंगा अंग अन्य देवता। अर्थात यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो भू भुव श्वः तथा मह इन चारों को ही क्या बोला जाता है, व्याहति कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। व्याहति का एग्जैक्ट जो है मीनिंग यहाँ पर नहीं बताया गया है बुक में, सिर्फ इन चारों को ही क्या कहा गया है, व्याहति कहा गया है। ये आप लोग याद रखेंगे, किनको किनको, भू भुव श्वः और महा। ठीक है, ये जो है व्याहति कहलाते हैं। इन चारों व्याहति में से जो महाव्याहति है वो सर्वप्रधान होता है। चौथी नंबर की जो व्याहति है वो सर्वप्रधान है, सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि यह व्याहति जो है ब्रह्म का स्वरूप है, इसे ब्रह्म ही कहा जाता है। महा को ब्रह्म का ही रूप कहा जाता है। ठीक है, और इस महा को सबसे पहले किसने जाना था, महाचमस के पुत्र ने पहले जाना था। जो चौथी व्याहति है महा, इसको सर्वप्रथम किसने जाना, तो महाचमस के पुत्र ने जाना था। ऋषि हुए महाचमस, उनके पुत्र ने सबसे पहले इस महा नाम से जो प्रसिद्ध व्याहति है, चौथी व्याहति, इसको उन्होंने पहले जाना था। यहाँ पर बोला गया ना, तासाम ह स्मिता स्मैताम चतुर्थी महाचमस से प्रवेदयते। ठीक है, तो एक व्याहति के चार चार भेद हैं, ये कुल 16 है। जो इन्हें ठीक प्रकार से जान लेता है वह ब्रह्म को जान लेता है, सभी देवगण उसके अनुकूल हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर जो व्याहति है, चार व्याहति बताए गए हैं और चारों के चार चार भेद बताए गए हैं। चार चार भेद बताए गए हैं तो टोटल कितने हुए, 16 हुए। और जो इनको भली प्रकार से जान लेता है, अच्छी प्रकार से समझ लेता है कि इनकी उपासना कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से जो है इनका उपासना करके हम अच्छे तरीके से फल को प्राप्त कर सकते हैं, जो यह जान लेता है वह जो है ब्रह्म को जान लेता है, और सभी जो देवगण होते हैं वो उनके अनुकूल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि भू भुवा स्वाहा और महा, ये चार व्याहतियां हैं। इन चारों के चार चार भेद हैं तो टोटल कितने हो गए, 16। और अन्य सभी जो देवता हैं, अंग यहाँ पर बोला गया ना, अंग अन्य देवता, यानी कि जो अन्य सब देवता हैं वो उसके अंग हैं। तो इन चार व्याहतियों में किस प्रकार से हमको भावना करनी चाहिए, किस प्रकार से भावना करते हुए इनकी उपासना करनी चाहिए, ये अब आगे टेबल फॉर्म में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो सबसे मैम पहले हम देखते हैं। हाँ एक बार ये मैं बताना, मतलब कि मैं को किसने जाना था ये बार। महा को सबसे पहले महाचमस के पुत्र ने जाना था। ठीक है, वो पुत्र कौन थे उनका नाम नहीं बताया है यहाँ पर। महाचमस के पुत्र ने कहा है कि उन्होंने सबसे पहले जाना था चौथी व्याहति को। चौथी व्याहति अर्थात महा, जो कि ब्रह्म का ही स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है। आत्मा यहाँ पर जो ये तीन व्याहतियां है ना, भू भुवा स्वाहा, इन तीनों की आत्मा किसे कहा गया है, महा को कहा गया है। ठीक है, भू भुवा स्वाहा, इन तीनों की आत्मा जो है महा है, अर्थात ब्रह्म है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। सबसे पहली व्याहति जो हमारी है, पहली है भू, और भू का जो लोक है वो पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पर जो है चार व्याहतियां, चौथी सबसे सर्वप्रधान व्याहति कौन सी बोली गई है, महा को बोली गई है। तो सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पर भू। भू का जो लोक हो जाएगा वो पृथ्वी लोक हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा।
हेलो, मेरी आवाज आ रही? चलिए, यस मैम जी मैम। हाँ चलिए। सबसे पहली हमारी व्याति जो है भू। भू का जो यहाँ पर लोक कहा गया है वो पृथ्वी लोक कहा गया है। उसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है भुवा। भुवा का जो लोक कहा गया है वो अंतरिक्ष लोक कहा गया है। ठीक है, तो भू जो है पृथ्वी लोक है, भुवा यह अंतरिक्ष लोक है, स्वः ये स्वर्ग लोक है, और फिर महा जो है आदित्य लोक। आदित्य अर्थात सूर्य, ब्रह्म नहीं होगा यहाँ पर, सूर्य आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो भू जो यहाँ पर लोक बताया गया है पृथ्वी लोक, भुवा अंतरिक्ष लोक, स्वः का जो होगा लोक स्वर्ग लोक, और महा, महा अर्थात जो है आदित्य, आदित्य अर्थात सूर्य का नाम यहाँ पर दिया गया है। सूर्य के भी जो है यहाँ पर बोले गए हैं आत्मा है, अर्थात इस सूर्य से ही जो है ये तीनों लोक प्रकाशित होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सूर्य को प्रमुख प्रधानता दी गई है। ठीक है, ये आदित्य यानी कि सूर्य से ये तीनों लोक प्रकाशित होते हैं। अब उसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि उनके देवता कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है जो भू भू व्याति है वो क्या है, उनके देव अग्नि हैं। फिर यहाँ पर बोला गया भुवा, भुवा के जो देव होंगे वायु होंगे। ठीक है, तो भू का जो व्याति हो गया अग्नि। अग्नि यहाँ पर जो है भू का यानी कि अग्नि देवता। अग्नि देवता से क्या होती है, वाणी की उत्पत्ति होती है ना। वाणी जो है क्या होता है, प्रत्येक विषय को व्यक्त करके प्रकाशित करने वाली ज्योति होती है। ठीक है, तो ये ज्योतियां यहाँ पर बताई गई हैं। तो भू का जो देव हो जाएगा अग्नि हो जाएगा, या अधिष्ठाता देव बोलेंगे। ठीक है, तो अग्नि देव, और भुवा का जो हो जाएगा वायु, फिर स्वाहा का हो जाएगा आदित्य अर्थात सूर्य, और जो महा का हो जाएगा चंद्रमा, अर्थात चंद्रमा से ये जो है तीन ज्योतियां प्रकाशित होती हैं। सूर्य से तीन लोक प्रकाशित होते हैं, चंद्रमा से तीन ज्योतियां प्रकाशित होती हैं। फिर आते हैं वेद, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे। यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार हमको इन व्याहतियों के प्रयोग से परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। ठीक है, तो भू का जो हो गया ऋग्वेद, भुवः का सामवेद है, यजुर्वेद जो है स्वः जो है यजुर्वेद है, और जो महा है वो क्या है, ब्रह्म है। ये तो शुरू से ही बता दिया गया कि ब्रह्म जो है यानी कि महा का ही स्वरूप है, महा ही जो है उसको ब्रह्म समझना चाहिए। तो ये ब्रह्म से ही तीन वेद जो है प्रकाशित होते हैं। ब्रह्म से ही क्या होता है, वेदों का जो ज्ञान है हमको प्राप्त होता है। वेदों में जो वर्णित समस्त ज्ञान है वो किसके माध्यम से प्रकट होते हैं, ब्रह्म के माध्यम से। ठीक है, तो ब्रह्म से जो प्रकाशित होती है तीनों वेद प्रकाशित होती हैं। उसी प्रकार हम प्राण में देखें तो भू जो भू के अंतर्गत आ जाएगा प्राण, भुवा के अंतर्गत आ जाएगा अपान, स्वाहा के अंतर्गत आ जाएगा व्यान, और महा के अंतर्गत आ जाएगा अन्न। यानी कि अन्न से जो है ये तीनों प्राण हमारे संचालित होते हैं। अन्न के माध्यम से ही इन इन तीनों प्राणों को जो है बल मिलती है, पुष्टि मिलती है, शक्ति मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो यहाँ पर बताया गया है कि इन चारों को क्या बोला गया है, व्याहति बोला गया, और इन व्याहतियों के भी चार चार भेद हैं। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पर 16 हमारे व्याहति हो गए, या उनके भेद बोले जाएंगे। ठीक है, तो एक बार हम और देखते हैं। भू जो है पृथ्वी लोक के अंतर्गत आ गया, भुआ अर्थात अंतरिक्ष लोक, स्वः अर्थात स्वर्ग लोक, और महा अर्थात आदित्य अर्थात सूर्यदेव। तो इस आदित्य सूर्य से ही ये तीनों लोक प्रकाशित होते हैं। उसी प्रकार हम देवताओं की बात करें तो भू जो हमारा हो गया अग्निदेव हो गया, भुवः वायुदेव, स्वः आदित्य देव, और महा जो हो गया चंद्रमा। चंद्रमा अर्थात हम मन से ले सकते हैं, मन की उत्पत्ति जो होती है चंद्रमा के माध्यम से होती है। तो इन तीनों ज्योति को जो प्रकाशित करता है या महिमान्वित होते हैं वो चंद्रमा के माध्यम से होते हैं। फिर हमारा होता है वेद के अंतर्गत आते हैं तो भू जो हो गया ऋग्वेद हो गया, भुवः को सामवेद कहा गया है, स्वः को यजुर्वेद, और महा को कहा गया है ब्रह्म। और ब्रह्म से ही ये तीनों वेद प्रकाशित होते हैं, या इन वेदों का हमको ज्ञान प्राप्त होता है। अब मुख्य प्राण के अंतर्गत हम देखें तो भू अर्थात हो जाएगा प्राण, भुवा अर्थात अपान, और फिर स्वाहा व्यान, और महा जो है अन्न। अन्न यानी कि ब्रह्म से ही प्राप्त होता है, तो अन्न के माध्यम से ये तीनों प्राण जो है संचालित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है महा जो है प्रधान है, समस्त प्राणों का पोषण करके उनकी महिमा को बनाए रखने और बढ़ाने के कारण यहाँ पर जो है अन्न को क्या बोला गया है, प्रधान बोला गया है। ठीक है,
तो जो प्राणों के अंतर्यामी परमेश्वर की अन्न के रूप में हमको उपासना करनी चाहिए। जब हम इनकी उपासना करते हैं, ठीक है, इन चारों व्याहतियों की जब हम उपासना करते हैं, परम ब्रह्म को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, ब्रह्म को जान लेते हैं, और जो समस्त देव होते हैं वो उनके अनुकूल होते हैं और उनको अपना परमेश्वर समझ के आदर और सत्कार करते हैं, ठीक है। तो ये है, इनके ठीक प्रकार से हमको उपासना करनी चाहिए। जब हम इनकी अच्छी प्रकार से उपासना करेंगे तो ब्रह्म की जो है हमको प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर कहा गया है, महा ही ब्रह्म का स्वरूप है, वही सब वेदों का ज्ञान देता है। कौन? महा, महा अर्थात ब्रह्म। फिर यहाँ बोला जा रहा है, आदित्य सूर्य से ही समस्त लोक महिमान्वित होते हैं। मैंने पहले बताया कि आदित्य जो है सूर्य लोक जो है सूर्य लोक से ही ये तीनों लोक प्रकाशित होते हैं। फिर चंद्रमा, चंद्रमा से ही समस्त ज्योतियां महिमान्वित होती हैं, यानी कि अग्नि वायु और आदित्य ये चंद्रमा से महिमान्वित होते हैं या प्रकाशित होते हैं, ठीक है, तो इनकी उपासना करनी चाहिए। फिर ब्रह्म से ही समस्त वेद महिमावान होते हैं, यानी इनकी महिमा बताई गई है, इनसे ही ये सब प्रकाशित होते हैं। फिर अन्न से समस्त प्राण जो है महिमावान होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये व्याहतियां बताई गई हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है ये? चलिए आगे मैम, बढ़े। जो देवों में आदित्य है ना, वो सूर्य ही है क्या? हाँ, सूर्य है, ठीक है, ये ओके ब्रह्म। यहाँ पर बाय मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको आप नहीं लोग मैम, सूर्य कर, देवों में, क्या बोल रहे हैं, देवों में? अग्नि वायु आदित्य जो है ना, उसमें वो आदित्य से सूर्य का मतलब है क्या? हाँ, यहाँ पे भी सूर्य ही है, दोनों पर यहाँ पर सूर्य ही बताए गए हैं, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर इनको ज्योति के रूप में लिया गया है। ये जो हैं सब ओके okay. चंद्रमा से प्रकाशित होते हैं, ओके। इस प्रकार से ये पंचम अनुवाद में बताया गया है। आगे बढ़े। आदि फिर चक्र में दीजिए. टाइम हो गया क्या? कितना टाइम हो गया? तो 5 बज गए. मतलब आप रहने दीजिए. चलिए ठीक है, यहाँ पर चलिए फिर कल करते हैं हम इसको, आज यहीं पर रहने देते हैं। इसको आप लोग याद करके आइएगा, कल मैं पूछूंगी, ठीक है, ओके ये मैम. 3 याद करके आइएगा। क्लियर है? और किसी को इसमें कुछ डाउट हो? चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा यही बताया गया कि कौन से, जब हमारा अंत समय आता है तो हम कौन कौन से लोक से होते हुए जाते हैं और फिर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। चलिए इसको कल देख लेंगे। चलिए शांति पाठ करा दीजिए। भारती जी कुछ पूछ रहे हैं आप? ओके ओके, चलिए भारती जी आप ही करा दीजिए शांति पाठ। मैम, कॉलेज ओके ओके, चलिए पद्मा जी कराइए, शांति पाठ कराइए। जी मैम, सभी बैठ जाएंगे सुखासन या ध्यानात्मक आसन में. गहरा लंबा श्वास अंदर और एक बार ओम का उच्चारण और शांति पाठ. भरेंगे गहरा लंबा श्वास. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्तिः.
शांति शांति। दोनों हाथों को रब करके चेहरे पे घर्षण चेहरे पे लगाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। हरिओम सभी को। हरिओम, थैंक यू पद्मा जी, शुभ संध्या, चलिए फिर कल मिलते हैं। हरिओम, सभी लेफ्ट कर जाइए, रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी।